कार दोस्तों, मैं हूँ शिवानी गौतम और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट न्यूज़ चैनल द निराला टीवी। डीएवी स्कूल सडोरा में बाल दिवस के उपलक्ष्य में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल के समस्त अध्यापकगण और विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का आरंभ एक रंगारंग कार्यक्रम से हुआ, जिसमें गुरुपुरु के अवसर पर शब्द का गायन किया गया और बच्चों के द्वारा चाचा नेहरू से संबंधित भाषण दिए गए। इसके बाद प्रधानाचार्य के द्वारा खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें नर्सरी से 12वीं कक्षा के द्वारा रेस का प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। मेरी आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए और जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। आप देख रहे हैं शिवानी गौतम के साथ द निराला टीवी। धन्यवाद। अभी डीएवी स्कूल्स डोहरा में बैठे हुए हैं और आज यहां पर चिल्ड्रन डे के अवसर पर एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया है स्कूल की तरफ से। तो सर से जानते हैं क्या कुछ खास महत्व है इस दिन का और क्या क्या खेल प्रतियोगिताएं यहां पर करवाई गई हैं। जी सर, विस्तार से जानकारी। सबसे पहले तो द निराला टीवी के सभी दर्शकों को मेरी बहुत शुभकामनाएँ। जैसा कि आपको पता है कि आज 13 नवंबर है, लेकिन 14 नवंबर को जैसा कि हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, उसके उपलक्ष्य में हमने आज एक फन स्पोर्ट्स डे बनाया है या स्पोर्ट्स डे विद फन। तो इसमें हमने बहुत सी छोटी छोटी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है, जिससे बच्चों ने बहुत रुचि ली है और उत्साह के साथ मनोरंजन भी था और अच्छा खासा उत्साह देखा गया। बड़े शॉर्ट नोटिस में मैंने अपने टीचर्स को ये बोला था तो उन्होंने बड़े अच्छे से इसका आयोजन किया। और उसके साथ साथ आज हमारे यहाँ जैसा कि 15 को गुरु नानक डे है, तो उसके ऊपर भी बच्चों ने बड़ी अच्छी प्रस्तुति दी है। तो क्या सर, हर साल इस अवसर पर ये प्रतियोगिताएं कराते हैं? हाँ, हमारे यहाँ हर साल कुछ ना कुछ चिल्ड्रंस डे के ऊपर होता है, जो कि प्रतियोगिताएं या कुछ कार्यक्रम अपने हिसाब से चेंज हो जाते हैं, लेकिन हाँ, इन महत्वपूर्ण दिनों को हमारे स्कूल में मनाया जाता है। युवाओं और खासतौर पर पेरेंट्स के लिए जिस तरह से आज का समाज बढ़ता जा रहा है, उनके लिए क्या कुछ मैसेज आपको देते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स बच्चों के सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान दें, सिर्फ मार्क्स के पीछे ना भागें। जैसा कि विदित है कि जितना भी हमें
सोशल मीडिया से जो डिस्ट्रैक्शन मिल रहा है बच्चों को, उससे ज़्यादा अच्छा है कि दिन भर फ़ोन में लग के ना रहें और कुछ खेल कूद की, कुछ शारीरिक व्यायाम या एक्टिविटीज़ साथ में करते रहें। एंड ओवरऑल बेसिक जो हमारे मूल्य हैं उनको धरोहर की तरह रखें, मूल्यों का विकास करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।